नमस्कार सस्त्रीकाल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग लाइफ। तो गाइस दिस इज़ माय फोर्थ वीडियो। तो मेरी फोर्थ वीडियो ना टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जैसा कि मेरा थर्ड वीडियो भी टाइम पे तो बिल्कुल नहीं आया था। वैसे मेरा जितना वीडियो ना अभी तक बिल्कुल टाइम पे आ ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी व्लॉगिंग, तो अभी स्टार्ट किया जाए फोर्थ वीडियो। अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाएगा तो मैं वीडियो टाइमली टू टाइमली बनाता रहूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा धूप भी पड़ रहा है गोरखपुर में, इसके वजह से वीडियो और शूट करने का मन भी नहीं हो रहा है। जैसे ही घर से कैमरा लेके बाहर निकल रहा हूँ ना, वापस अंदर चल जा रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, हालत ख़राब हो जा रही है। गोरखपुर का भी मैंने सेल्सियस चेक किया नेट पे, करीब 32 डिग्री दिखा रहा है, पर मुझे तो 32 लग नहीं रहा है, 45 तक तो मुझे लग ही रहा है। तो आज मैं जा रहा हूँ उस कड़क गर्मी में वाटर पार्क, वहाँ पे थोड़ा कूल होने जा रहा हूँ। तो सोचा कि व्लॉग शूट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने थर्ड वीडियो में बताया था कि मेरा प्लान है वाटर पार्क लखनऊ और मुंबई, तो आज वाटर पार्क का प्लान तो सक्सेसफुल हो ही रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग इंटर कर चुके हैं वाटर पार्क में, अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पे। वहाँ पे जाके मैं व्लॉग शूट करूँगा। गाना तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए वो वहाँ पीछे झूला। देखने में काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। ये देखिए पीछे सीढ़ी उतर जाता हूँ। धूप भी काफ़ी तेज है, पर कोई ना, अभी अंदर जाके तो कूल होने ही वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग अपना बैग और कपड़ा इसमें लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद तो अभी हम वहाँ जाएंगे फ्लाइट पे। दिस इज़ अ चेंजिंग रूम, यहाँ पे हम कपड़ा चेंज करेंगे। कपड़ा चेंज करने के बाद फिर हम जाएंगे फ्लाइट पे। चेंज कर रहे हो? करो करो, कोई है नहीं यहाँ पे। तो अभी फटाफट कपड़े चेंज करते हैं। चेहरा मेरा काफ़ी मतलब काला पड़ गया है, क्रीम तो लगा के आया था पर धूप की वजह से पूरा मेकअप खराब हो गया।
फाइनली घर में पहुंच गया यार। घर पे जो सुकून है ना वो कहीं नहीं है। वाटर पार्क में काफ़ी इन्जॉयमेंट किया, स्लाइड पे आना जाना, पानी में कूदना, जिसकी वजह से पैरों में और हाथों में बहुत ही दर्द है। आज रात में तो बहुत दर्द होने वाला है हाथ और पैरों में। तो गाइस कैसा लगा मेरा वाटर पार्क का व्लॉग? पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और एक चीज़ और, वाटर पार्क मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने वाटर पार्क में स्लाइड में अपना आईफोन को साथ में ले गया, सोचा कि स्लाइड के साथ व्लॉग शूट करूँगा, पर व्लॉग शूट करते समय स्लाइड के टाइम मेरा आईफोन मेरे हाथ से छूट गया, पानी में गिरा। अब पानी में गिरने के बाद मेरा आईफोन काम करना बंद कर दिया। और लोग तो सोचते हैं कि आईफोन तो वाटरप्रूफ होता है, पर यार मेरा आईफोन 6 है जो कि ओल्ड मॉडल है, ये वाटर रेसिडेंट है, क्योंकि वाटर रेसिडेंट में हल्का फुल्का पानी से बस सर्वाइव कर सकता है। आईफोन मेरा तो पूरा खड़े पानी में डूब गया था, तो जिसकी वजह से मेरा आईफोन पूरा ख़त्म खलास हो गया था, जो मैं रिपेयरिंग करने के लिए दिया। तो फाइनली मेरा आईफोन रिपेयर हो चुका है, जो मैं लास्ट व्लॉग शूट कर पा रहा हूँ। तो अब भी मैंने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया और भी काफ़ी ढेर सारे स्लाइड थे वाटर पार्क में, सोचा था कि शूट करने का व्लॉग, पर उस टाइम तक मेरा आईफोन ही ख़राब हो चुका था। एक 90 डिग्री स्लाइड था, काफ़ी बढ़िया था, और एक अंडरग्राउंड था। अगर अंडरग्राउंड में अपना आईफोन ले जाता ना, तो मेरा आईफोन मेरे हाथ से छूट के पानी में गिर के ख़त्म बह जाता, कुछ मिलता ही नहीं मुझे। तो कोई नहीं, तो ये था मेरा आज का व्लॉग वाटर पार्क का। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और इसके बाद मैंने सोचा कि लखनऊ जाने का व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, अभी कन्फर्म नहीं है, शायद ही लखनऊ जाऊँ। लखनऊ जाने के बाद मैंने सोचा कि मानवाड़ा और भूलभुलैया का व्लॉग शूट करने का। तो गाइस थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, बाय, टेक केयर।